प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं गणित कक्षा 5 के अंतर्गत अध्याय 12 बार और इसमें प्रश्नावली 12 के सवाल हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थी, शुरू करते हैं, समझते हैं गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 12 के सवाल। पहला सवाल है, रीना बाजार से 1 किग्रा 400 ग्राम टमाटर, 750 ग्राम मिर्च तथा 2 किग्रा 600 ग्राम आलू खरीद कर अपने थैले में रखती है। उसके थैले का कुल भार कितना है? भार के बारे में हमें समझना है। भार का आपको ध्यान रखना है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहां देखिए, रीना बाजार से टमाटर, मिर्च और आलू खरीदती है, अपने थैले में रखती है। तो इन सभी का जो वजन हम जोड़ लेंगे तो उसका कुल भार हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम इससे हल करते हैं, पहले सवाल को समझना है उसके बाद हल करना है। तो किलोग्राम और ग्राम, किग्रा में किलोग्राम, तो इधर लिखेंगे हम किग्रा और यहां लिखेंगे हम ग्राम। किग्रा में देखिए, 1 किग्रा 400 ग्राम टमाटर, तो किग्रा में 1 ग्राम में 400 और ये क्या है, टमाटर। इसके बाद में मिर्च 750 ग्राम, तो ग्राम में लिखेंगे 750 ग्राम, ये है मिर्च। इसके बाद में 2 किग्रा 600 ग्राम, 2 किग्रा 600 ग्राम ये क्या है, आलू, यहां लिखेंगे हम आलू। तो हम तीनों वजनों को जोड़ लेंगे तो कुल भार हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहां इन तीनों जो वजन दे रखे हैं इनको जोड़ना है, 1 किलोग्राम, 400 ग्राम, 750 ग्राम, 2 किलो 600 ग्राम, इनको जोड़ेंगे। तो यहां देखिए, जीरो में जीरो जीरो जोड़ेंगे, यहां कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो में पांच जोड़ेंगे, पांच। पांच में जीरो जोड़ेंगे, पांच का पांच। यहां चार में सात जोड़ेंगे, ग्यारह। ग्यारह में छह जोड़ेंगे, सत्रह। सत्रह का सात, हासिल लगा एक। एक में एक जोड़ेंगे, दो। दो में दो जोड़ेंगे, चार। कितना आ गया, 4 किग्रा 750 ग्राम, ये हो गया कुल भार। तो हम इस प्रकार से ये हमने जोड़ की, सभी जो बार थे उन सभी बारों को हमने जोड़ा। तो आप ये लिख सकते हैं कि कुल बार कितना हो गया, 4 किलोग्राम 750 ग्राम। तो हम अलग से भी लिख सकते हैं, अतः जो हमारे से पूछा गया है थैले का कुल बार, अतः थैले का कुल बार 4 किग्रा 750 ग्राम, 4 किग्रा 750 ग्राम है, ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। तो ये पहले सवाल का आंसर है। इनमें जो सभी अलग अलग बार दे रखे थे इन सभी बारों को हमने जोड़ा और कुल बार हमने प्राप्त किया। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर दो, मनोज बाजार से 10 किग्रा चीनी की एक थैली खरीदता है। घर आते समय थैली के एक सुराख से चीनी निकलने के कारण थैली का भार 8 किग्रा 750 ग्राम रह जाता है। रास्ते में बिखरी चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो 10 किलोग्राम की चीनी की एक थैली खरीदता है और घर आता है, तब तक उसमें से एक सुराख हो जाता है और चीनी बिखर दी जाती है। यानी घर आता है तो वजन कितना रह जाता है, 8 किलोग्राम 750 ग्राम। तो रास्ते में कितनी चीनी बिखरी ये ज्ञात करना है। तो कुल चीनी की मात्रा में से जितनी बची वो घटा लेंगे तो हमें रास्ते में कितनी बिखरी वह हमें प्राप्त हो जाएगी। चलिए हल करते हैं, किग्रा और ये ग्राम। देखिए किलोग्राम कितनी लाया, 10 किलोग्राम और ग्राम में कुछ नहीं है तो जीरो 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 तीन बार लिखना है। ये कुल चीनी, ये कुल चीनी खरीदता है और घर पे वजन कितना रहता है, 8 किलोग्राम 750 ग्राम चीनी बचती है, चीनी बचती है। तो अब यानी कितनी चीनी रास्ते में बिखर गई तो उसके लिए घटा देंगे, कुल चीनी में से जितनी चीनी बची वो घटा लेंगे। पीछे से घटाव करेंगे, जीरो में से जीरो घटाएंगे, जीरो। जीरो में से पांच नहीं घटेगा, ये जीरो इसके पास जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं है। ये जीरो इस आगे वाले जीरो के पास जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ये जीरो इस आगे वाले के एक के पास जाएगा, यहाँ से एक उधार लाएगा तो यहाँ बचेगा जीरो और यहाँ हो जाएगा दस। दस में से एक आगे देगा तो यहाँ बचेगा नौ, यहाँ हो जाएगा दस। दस में से एक आगे देना है तो यहाँ बचेगा नौ
और यह हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 5, 9 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 2, 9 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 1। यानी 1 किलोग्राम 250 ग्राम चीनी बिखर जाती है, रास्ते में बिखरी, रास्ते में बिखरी। तो हम लिख सकते हैं अतः रास्ते में 1 किग्रा 250 ग्राम चीनी बिखरी, और ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो ये था दूसरा सवाल। दूसरे सवाल को हमने इस प्रकार से सॉल्व आउट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 3। शीला के पास 5 किग्रा 470 ग्राम बार का एक पैकेट तथा 3 किग्रा 690 ग्राम बार का एक डिब्बा है। पैकेट का बार डिब्बे के बार से कितना अधिक है? देखिए पैकेट का बार जो है वे डिब्बे के बार से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो पैकेट के बार में से डिब्बे का बार घटा लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम इसे हल करते हैं। किग्रा और ग्राम, किग्रा ग्राम कितना है? पैकेट 5 किग्रा 470 ग्राम, 5 किग्रा 470 ग्राम यह है पैकेट का बार। इसके बाद में है डिब्बे का बार है 3 किग्रा 690 ग्राम, यह है डिब्बे का बार। अब पैकेट का बार ज्यादा है, कितना ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। पैकेट के बार में से डिब्बे का बार घटा लेंगे। चलिए घटाते हैं। 0 में से 0 घटाएंगे, 0, 7 में से 9 नहीं घटेगा, 7 इस 3 से उधार लेने जाएगा तो यहाँ 4 से उधार लेगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 17। अब 17 में से 9 घटाना है तो कितना बचेगा, 8। 3 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 3 इस 5 से उधार लेगा, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 7। अब यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे, बचेगा 1, तो कितना बार अधिक है, 1 किग्रा 780 ग्राम बार अधिक है। हम लिख सकते हैं अतः जो हमारे से प्रश्न में पूछा गया है, पैकेट के बार डिब्बे के बार से कितना अधिक है, अतः पैकेट का बार डिब्बे के बार से एक किग्रा 780 ग्राम, 1 किग्रा 780 ग्राम अधिक है। तो यानी कितना अधिक है ये हमने प्राप्त किया। तो ये था सवाल नंबर 3। आप इसे समझ के अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 4। एक दुकानदार 6 किग्रा मसाले पिसवाकर उसमें से 250 ग्राम के पैकेट बनाकर बेचता है। इस प्रकार बनने वाले पैकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 1 किग्रा में 250 ग्राम के 4 पैकेट बनते हैं, देखिए 250 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 250 ग्राम के 1 किलोग्राम में कितने पैकेट बनेंगे, 4 पैकेट बनेंगे। तो 6 किलोग्राम मसाले पिसवा करके उनके 250 ग्राम के पैकेट बनाता है तो कितने पैकेट बनेंगे, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों देखिए 1 किलोग्राम में कितने पैकेट बनते हैं, 1 किलोग्राम में 4 पैकेट बनते हैं, तो 6 किलोग्राम में कितने बनेंगे, 4 का गुणा किसे करेंगे, 6 से, 4 छंग 24, तो कितने पैकेट बनेंगे, 24 पैकेट बनेंगे 250 ग्राम के। इसे हम 250 ग्राम का 6 किलोग्राम में भाग भी दे सकते हैं, क्योंकि देखिए एक, चूंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में
1000 ग्राम होता है, तो 6 की ग्राम में कितने होंगे, 6 की ग्राम में होंगे 6 × 1000 बराबर 6000 ग्राम। 6 किलोग्राम में 6000 ग्राम होंगे, 6000 ग्राम के 250 ग्राम के पैकेट बनाने, तो पैकेटों की संख्या, पैकेटों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि देखिए किलोग्राम में हम ग्राम का भाग नहीं दे सकते, तो ग्राम में ग्राम का भाग देंगे। 6 किलोग्राम को हमने ग्राम में बदला तो कितना आया 6000 ग्राम, और उसमें भाग देना है 250 ग्राम का, पीछे जीरो से जीरो कट जाएगा, 25 का भाग 600 में देंगे, 25 दुनी 50 दो बार 10 बचेगा, 0 25 चौका 100 कितनी बार जाएगा 4 बार, यानी 24 पैकेट बनेंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः 6 की ग्राम में 250 ग्राम के 24 पैकेट बनेंगे। ये हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर, समझ में आ गया। 6 किलोग्राम में 250 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे, 24 पैकेट बनेंगे। ये था सवाल नंबर 4, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सवाल नंबर 5, मध्याह्न भोजन में प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं तथा 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए कितने गेहूं तथा चावल की आवश्यकता होगी। प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं है और 100 ग्राम चावल है, इस हिसाब से हमें 60 बच्चों के लिए कितने गेहूं तथा कितने चावल की आवश्यकता होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे हल कर लेते हैं। देखिए प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं है, तो 60 बच्चों के लिए गुणा कर देंगे हम 60 से, आगे समझ में, जीरो का गुणा तीनों से करेंगे क्या आएगा, जीरो आएगा, फिर हम इकाई का हो जाएगा, इकाई के नीचे क्रॉस लगा देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, ढाई से लिखना शुरू करेंगे, 6 का गुणा जीरो से करेंगे तो यहाँ जीरो आएगा, 6 का गुणा 5 से 6 पंजा 30, 30 का जीरो, 8 से लगा 3, 6 का गुणा 1 से करेंगे, 6 कम 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे, कितना आया 0 0 0 9, कितना आया, ये 150 ग्राम है तो यहां 9000 ग्राम आ गया, समझ में, 9000 ग्राम, तो ये 9000 ग्राम को हम किलोग्राम में बदल सकते हैं, तो यानी 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, तो 9000 ग्राम का 9 किलोग्राम होगा, तो हम लिख सकते हैं इसे 9000 बटा 1000, 1000 का भाग देंगे, 3 जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा 9 की ग्राम। ये आ गए गेहूं, क्या है ये है गेहूं, 9 किलोग्राम गेहूं। अब इसी प्रकार से हम चावल का भी ज्ञात कर सकते हैं, तो चावल का ज्ञात करेंगे, चावल कितने हैं 100 ग्राम, प्रति बालक कितने हैं 100 ग्राम चावल, और कितने बालकों के लिए, बच्चों के लिए 60 बच्चों के लिए ज्ञात करना है, तो गुणा करेंगे हम 60 से, जीरो का गुणा तीनों से करेंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा, ढाई का शुरू करेंगे क्या के नीचे क्रॉस, ढाई से लिखना शुरू करेंगे, 6 का गुणा जीरो से जीरो, 6 का जीरो से जीरो, 6 का एक से तो 6 जोड़ लेंगे, जीरो 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 6, तो कितना आया 6000 ग्राम, और ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 6000 बटा 1000, 3 जीरो कट जाएंगे तो कितना आएगा 6 की ग्राम। तो ये 9 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल, हम लिख सकते हैं अतः 60 बच्चों के लिए 9 की ग्राम गेहूं तथा 6 की ग्राम चावल की आवश्यकता होगी, चावल की आवश्यकता होगी। ये हमारा हो जाएगा इस सवाल का
आंसर कि 9 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल 60 बच्चों के लिए आवश्यकता होगी। ये था सवाल नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 6। सविता बाजार से 2 किग्रा गोभी, 4 किग्रा ककड़ी, 3 किग्रा 700 ग्राम रतालू व 2 किग्रा 900 ग्राम अन्य सब्जियां खरीद कर लाई, बताओ उसके थैले में कुल कितना बार हो गया। जो जो सब्जियां उसने खरीदी उन सभी का जोड़ कर लेंगे तो कुल बार हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम इसे हल कर लेते हैं, किग्रा और इधर लिख देंगे हम ग्राम। सबसे पहले 2 किग्रा गोभी, 2 किग्रा और ग्राम में क्या आ जाएगा 00, ये क्या है गोभी। उसके बाद में 4 किग्रा ककड़ी, यहां 4 किलोग्राम 000 ग्राम, ये हो जाएगा ककड़ी। इसके बाद में 3 किग्रा 700 ग्राम रतालू, 3 किग्रा 700 ग्राम रतालू, और उसके बाद में है 2 किग्रा 900 ग्राम अन्य सब्जियां, 2 किग्रा 900 ग्राम अन्य सब्जियां, अन्य सब्जियां। अब हमें इन सभी का वजन चाहिए, कुल बार चाहिए, हम क्या कर लेंगे इन तीनों की चारों की जोड़ कर लेंगे, तीनों सब्जियां और जो अन्य सब्जियां खरीदी इन सभी का जोड़ कर लेंगे। तो जोड़ेंगे 0, ये 0, 7 और 9 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, कितना आ गया 12 किग्रा 600 ग्राम, ये हो गया कुल बार। तो हम लिख सकते हैं अतः थैले में कुल 12 किग्रा 600 ग्राम बार हो गया। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। जो हमारे सवाल में पूछा जाता है हमें उसका जवाब देना होता है कि कुल बार कितना हो गया, 12 किग्रा 600 ग्राम थैले का कुल बार हो गया। तो ये था सवाल नंबर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 7। हरीश धान मंडी से 2 किग्रा 500 ग्राम हल्दी, 5 किग्रा 200 ग्राम मिर्ची, 4 किग्रा 700 ग्राम धनिया व 10 किग्रा नमक लेकर आया, सामान का कुल कितना वजन है। तो जो भी सामान लाया उन सभी वजन को हम जोड़ लेंगे तो कुल वजन हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए हल कर लेते हैं, किग्रा और यहां ग्राम। 2 किग्रा 500 ग्राम हल्दी, 2 किग्रा 500 ग्राम हल्दी, 5 किग्रा 200 ग्राम मिर्ची, 5 किग्रा 200 ग्राम मिर्ची, और उसके बाद में 4 किग्रा 700 ग्राम धनिया, 4 किग्रा 700 ग्राम धनिया, और 10 किग्रा नमक, 10 किग्रा और 000 ग्राम ये है नमक। आगे समझ में, जो इन सभी का जोड़ कर लेंगे तो कुल वजन हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, 0 0, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 और 5 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, कितना आ गया 22 किग्रा 400 ग्राम कुल वजन। तो हम लिख सकते हैं अतः सामान का कुल वजन 22 किग्रा 400 ग्राम, 22 किग्रा 400 ग्राम है। ये हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 22 किग्रा 400 ग्राम, यानी सामान का कुल वजन हो जाएगा 22 किग्रा 400 ग्राम। तो ये था सवाल नंबर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है सवाल नंबर 8 ज्ञात कीजिए। इसमें 4 सवाल हैं और ये वजन किलोग्राम में दिया हुआ है, इसे ग्राम में बदलना है। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हम 1000 का गुणा करते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ग्राम में बदलने के लिए किलोग्राम को ग्राम में यदि बदलना हो तो किससे गुणा करना है, 1000 से गुणा करेंगे। अब याद देखिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 3 से 1/2, 1/2 का मतलब होता है आधा। 3 से 1/2 यानी 3.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 3 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 3000 ग्राम, और आधे किलोग्राम में 500 ग्राम, यानी 3500 ग्राम आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और आप चाहो कि मैं गुणा करके लिखूं तो आप 3 से 1/2 इसे हम बदलेंगे अनुचित भिन्न में, तो 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7/2। अब 7/2 का गुणा किससे करना है, 1000 से। तो यहां 2 का भाग इसमें देंगे, 2 × 5 = 10 और ये 0, 500 का गुणा 7 से कर देंगे, 7 × 5 = 35 और 2 जीरो लगा देंगे, कितना हो गया, 3500 ग्राम। तो हम यह लिख सकते हैं 3500 ग्राम, यानी 3.5 किलोग्राम में 3500 ग्राम होगा, ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला जो है दूसरा है, 3 से 2/5 किग्रा, इसे भी हम ग्राम में बदलेंगे। तो देखिए 3 से 2/5 इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे, 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 × 3 = 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17/5। अब 17/5 का गुणा किससे करना है, 1000 से। 5 का भाग इसमें 10 में, 5 × 10 दो बार और ये 2 जीरो, कितना हो गया, 200, 200 का गुणा 17 से करना है, 17 × 2 = 34 और 2 जीरो लगा देंगे, कितना हो गया, 3400 ग्राम। तो कितना आ रहा है, 3400 ग्राम, तो यहां लिख देंगे 3400 ग्राम, यानी 3 से 2/5 किलोग्राम में 3400 ग्राम होगा। अगला इसे भी हम इसी प्रकार से सॉल्व आउट करेंगे, आपको समझते हुए सवाल को हल करना है। तीसरा है 4 से 3/4 किग्रा, अब इसे बदलेंगे, 4 से ही 3/4 इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे, 4 का गुणा 4 से, 4 × 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19/4, 19/4 का गुणा करना है हमें 1000 से। 4 का भाग इसमें देंगे, 4 का भाग 100 में देंगे 25 बार और 0 लगा देंगे 250, 250 का गुणा 19 से करना है। तो यहां देखिए 19 का गुणा 250 से करेंगे, तो हम सिंपल इस प्रकार से कर सकते हैं। आपको यदि 19 का पहाड़ आता है तो आप 19 के पहाड़ से कर लेंगे, नहीं आता है तो आप 9 के पहाड़ से, फिर 1 के पहाड़ से कर सकते हैं। 9 का गुणा 0 से करेंगे, 0, 9 × 5 कितना होगा, 9 × 5 = 45, 45 का 5 आंसे लगा 4, 9 का गुणा 2 से करेंगे, 9 × 2 = 18, 18 × 4 = 22, इकाई का हो गया, दाई का शुरू करेंगे, इकाई के नीचे क्रॉस लगा देंगे, यहां से लिखना शुरू करेंगे, 1 का गुणा 0 से 0, 1 का गुणा 5 से 5, 1 का गुणा 2 से 2, अब इनको जोड़ लेंगे, 0, 5, 5 और 2 = 7, 2 × 2 = 4, कितना है, 4750 ग्राम, हम लिख सकते हैं 4750 ग्राम, यानी 4 से 3/4 किलोग्राम में 4750 ग्राम होगा। आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है आपको, और प्रैक्टिस के माध्यम से हम गणित को समझेंगे। अगला है चौथा, 2 से 1/5 किग्रा, इसे भी ग्राम में बदलना है। तो यहाँ 2 से ही 1/5 अनुचित भिन्न बदलेंगे, 5 का गुणा 2 से, 5 × 2 = 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11/5, अब 11/5 का गुणा किससे करना है, 1000 से। 5 का भाग इसमें देंगे, 5 × 10 2 और ये 200, 11 का गुणा 200 करेंगे, 11 × 2 = 22 और 2 जीरो लगा देंगे, कितना आ गया, 2200, तो यहां लिखेंगे हम 2200 ग्राम, यानी 2 से 1/5 किलोग्राम में 2200 ग्राम होगा। तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 8, इसे भी आप समझ सकते हैं किलोग्राम को ग्राम में बदलने की, आप और भी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 9, ज्ञात कीजिए। अब ये जो ग्राम में दे रखे हैं, इन्हें किलोग्राम में बदलना है। तो आठवें सवाल का उल्टा है। आठवें ग्राम सवाल में हमने किलोग्राम को ग्राम में बदला, अब हमें ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए, क्योंकि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, तो आपको यहाँ भाग देना है। किसका? 1000 का। चलिए पहला वाला देखिए, 1500 ग्राम, इसे किलोग्राम में बदलना है। तो 1500 में भाग देना है 1000 का। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 10 का भाग 15 में। तो देखिए दोनों में 5 का भाग जा रहा है, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, यानी 3/2। अब 3/2 को हमें बदलना है मिश्रित भिन्न में। 2 का भाग 3 में देंगे, 2 एकम 2, एक बार भाग पूरा पूरा जाएगा, 2 एकम 2, एक बार भाग पूरा पूरा गया, शेष पर बचा 1 और बटे में आ जाएगा 2। 1 से 1/2 किग्रा, यानी 1500 ग्राम में 1 से 1/2 किग्रा यानी किलोग्राम होगा। चलिए इसी प्रकार से हम अगले सवाल को भी समझते हैं। दूसरा है 2250 ग्राम, इसे भी किलोग्राम में बदलना है। तो 2250 में भाग देना है 1000 का, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब दोनों में 25 का भाग जा रहा है, 25 × 100, और यहाँ 25 × 100 चार बार में 100, 8 × 200, 9 × 225, यानी 9/4। अब 4 का भाग 9 में देंगे, मिश्रित भिन्न बनाएंगे, 4 × 8 दो बार भाग जाएगा, फिर बचेगा 1/4, 2 से 1/4 कितना आ गया, 2 से 1/4 किग्रा, यानी 2250 ग्राम बराबर 2 से 1/4 किग्रा। इसी प्रकार से अगले सवाल को समझते हैं। तीसरा है 100 ग्राम, इसे भी किलोग्राम में बदलना है। तो 100 ग्राम भाग देंगे 1000 का, तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना बचा, 1/10, 1/10 किलोग्राम। तो हम लिख देंगे यहाँ 1/10 किग्रा। ये था इसका तीसरा। अगला चौथा सवाल, चौथा है 4750 ग्राम, इसे भी किलोग्राम में बदलना है। तो 4750 और इसमें भाग देंगे हम 1000 का, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब यहाँ 475 नीचे है 100, अब 25 का भाग देंगे, आप 5 का भी दे सकते हो, उसके बाद 25 का दे सकते हो, 25 का देंगे, 25 × 100 चार बार, और यहाँ 25 × 100 कितनी बार, 100 में चार बार, तो 400 में कितनी बार जाएगा, 16 बार, 100 में चार बार, और 400 में कितनी बार जाएगा, 16 बार, और 3 बार 75 में जाएगा 19, कितना जाएगा 19 × 4। इसे आप 5 का भी दे सकते हो, 5 का भाग देकर के संख्या छोटी बना सकते हो, उसके बाद में आप कर सकते हो। 4 का भाग 19 में देंगे, तो 4 × 16 बचा 3/4, 4 से ही 3/4, तो कितना आया, 4 से ही 3/4 किलोग्राम। तो हम लिख सकते हैं 4750 ग्राम बराबर 4 से 3/4 किग्रा। तो ये इस प्रकार से हमने ग्राम को किलोग्राम में बदला। आप इन सवालों का अभ्यास कर सकते हैं, अभ्यास के माध्यम से हम बेहतर ढंग से गणित को समझ पाएंगे। ये था सवाल नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो सवाल है 10वां, सत्य असत्य कथन छाट कर लिखिए। ये जो कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, वो हमें यहाँ इस तरह लिखना है। पहला देखिए, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का 100वां भाग होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम 1 किलोग्राम का 1000वां भाग होता है, न कि 100वां। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य। यहां लिखेंगे हम असत्य। दूसरा है, किलोग्राम इकाई को ग्राम इकाई में बदलने के लिए 1000 का गुणा करते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। बिल्कुल सही है, यहां लिखेंगे हम सत्य। तीसरा है, 1 किलोग्राम नमक से 250 ग्राम के 4 पैकेट बनाए जा सकते हैं। 1 किलोग्राम नमक से 250 ग्राम के 4 पैकेट बना सकते हैं। बिल्कुल सही है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है,
250 ग्राम के चार पैकेट बन जाएंगे, तो ये बिल्कुल सत्य है, यहां लिखेंगे सत्य। अगला है चौथा, समान आकार के लकड़ी तथा लोहे के बाटों का भार समान होता है। समान आकार, आकार समान हो, लकड़ी और लोहे के बाटों का भार समान होता है? नहीं, लोहे का भार ज्यादा होता है, लकड़ी का भार कम होता है, तो ये गलत है यानी असत्य, लिखेंगे असत्य। आ गया समझ में? तो ये था सवाल नंबर 10। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 12 के सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 10 तक सभी को समझते हुए हल किया। आप भी इनका अभ्यास कीजिए और गणित में बेहतर बनने का प्रयास जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास के वीडियो पसंद आए होंगे, आज की क्लास में सवाल समझ में आएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।